हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल आज दोबारा आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो क्या सोचते हो आप, कौन सा टॉपिक होगा? फिर भी एनी गेस कोई? चलो छोड़ो यार, मैं बता देता हूँ आपको। आज के टाइम में आपने देखा है कि नॉर्मली हम जिम्स में जाते थे, एक्सरसाइज करते हैं ना, बेंच प्रेस कर रहे हैं या फिर कोई अपना डबल फ्लाई लगा रहा है, साइड लेटरल कर रहा है। तो एक नई नई एक्सरसाइज है बहुत आ गई हैं आज के टाइम में, क्रॉसफिट आ गया है, जुम्बा आ गया है, एरोबिक्स, डांस एरोबिक्स, भंगड़ा, ये वो इतनी तरह की चीज़ें आ गई। वो क्यों आई हैं कि लोगों को नहीं, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है, तो उनको हर एक चीज़ नहीं चाहिए। आप एशियन टाइम्स में अगर बात करना शुरू करें, 1970s से आ जाएं अगर हम, तो एक्सरसाइज तो तब भी यही थी ना, बेंच प्रेस लगानी है तो ही चेस्ट बनेगी, बाइसेप कर्ल लगाने तो ही बाइसेप बनेंगे, ठीक है। तो अब वैसे ही चलते चलते 1980s आया, 80s के अंदर लोगों को बोर होने लग गई, लोग जाके यार क्या एक ही दिन में बेंच प्रेस लगाते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई है ही नहीं कुछ करने को। तब एरोबिक्स आ गई, लोगों ने एरोबिक्स करनी शुरू कर दी, बी ए टू जी पैटर्न से ए स्टेप बनाएंगे, बी स्टेप बनाएंगे, सी बनाएंगे, एरोबिक्स शुरू होगी। योगा आ गया, योगा के साथ एरोबिक्स ऐड कर दी उन्होंने। तो ऐसे चलता 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 अब आज के टाइम में वो सारी चीज़ें बहुत इंप्रूव हो गई। एरोबिक्स के अंदर जुम्बा आ गया, लोग डंबल लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबलों के साथ एक्सरसाइज डांस कर रहे हैं उनके साथ, भंगड़ा आ गया बीच में, पावर योगा आ गई, योगा भी पावर के स्टाइल से होने लग गया, उसके अंदर उन्होंने कई स्टेप्स ऐड कर दिए योगा करते हुए। तो हर एक चीज़ ये एक ऐसा पैटर्न बन गया लोगों के लिए भी, लोगों को कोई ना कोई चीज़ नहीं चाहिए हमेशा। ऑब्वियस है ना यार, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको डेली अगर दाल ही खिलाता रहूँगा तो एक दिन आप भी मुझे बोलोगे यार कोई चिकन खिला दे यार भाई, या कुछ और ही खिला दे। तो ऑब्वियस है कि एक ये ह्यूमैनिटी है कि बंदा बोर हो जाता है एक ही काम कर करके, तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें बना दी है भी। आज तो चल यार, तो क्रॉसफिट कर ले यार चल। और आज और मेरी अगर मैं आपसे बात करूँ तो जिम्स के अंदर आजकल रश भी बहुत होता है, जैसे शाम को पीक टाइमिंग्स होते हैं जैसे, तो वो अब ये ट्रेनर्स को भी एक स्मार्ट पॉइंट मिल गया, क्लाइंट जितनी ज़्यादा हो जाते हैं, एक ट्रेनर 20-20 क्लाइंट संभाल रहा तो 5 बजे यार तो क्रॉसफिट कर ले यार, जा यार तू वो कर ले, तू उधर है तो उधर टक ले तू इतनी देर कोई नहीं, ठीक है तू ऐसा कर भाई, तू उधर जा, तू उधर डांस कर ले। वो भी उनको भी स्मार्ट वे मिल गया, जब इतनी चीज़ें आ गई तो अपने अपने सिर से उतार दे भाई, तू वो कर ले तू खुश हो जा, ठीक है। तो ये चीज़ें सब होगी। तो अब मैं बात करना चाहूँगा जो प्रिंसिपल है ना एक्सरसाइज को, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। जो चीज़ जिससे बननी है ना, वो उसी से बननी है। अब कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं, सब आपको पता होगा कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती हैं और आइसोलेशन एक्सरसाइज क्या होती हैं, पर कंपाउंड एक्सरसाइज जो है ना उनका मुकाबला नहीं है। अगर आपने स्ट्रांग होना है, स्ट्रेंथ ही होना है ना बहुत ज़्यादा, बाकी आप वाकई में बीस्ट हो, तो कंपाउंड एक्सरसाइज से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। आइसोलेशन में आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगा भी जो आजकल नई एक्सरसाइज आ गई, जैसे क्रॉसफिट आ गया, ये है वो, अब लोग क्रॉसफिट कर रहे हैं और भाग रहे हैं यार, वो 100 किलो का आदमी है यार, वो उसको आप टायर उठवा दो और उसको कोई भाग दो वहाँ, वो क्या कर लेगा वो बेचारा, वो तो वैसे उसको घोटों के ऊपर 100 किलो का भार, ऊपर 50-60 किलो का टायर भी पकड़ा दिया, अभी भाग रहे उसको लेके, वो बेचारा खुशी खुशी में उसको नई चीज़ तो मिली है करने को, पर वो कर भी पा रहा है कि नहीं वो तो देखो आप लोगों को ही नहीं पता चल रहा, तो उससे इंजरीज कितनी हो रही हैं लोगों को, इससे इंजरी फैक्टर बहुत बढ़ गए हैं लोगों में, ठीक है ना। क्योंकि अब क्रॉसफिट जो है, अब कोई हैवी आदमी आ जाए या फिर कोई लेडी आ जाए करने, तो वो नहीं कर पाएगी, उसको ये हैंगिंग करनी है तो वो कहाँ से कर लेगी यार, 80 किलो की उसमें पावर ही नहीं है कि वो लटके इधर उधर आगे पीछे हो जाए, ठीक है। अब उसको अगर मैं बोलूँ भी हार्ट रेट एक्सरसाइज अगर आपने हिट करनी है, तो 5 एक्सरसाइज अगर मैं कोई कॉम्बिनेशन बना दूँ उसके लिए, तो वो एक्सरसाइज वो हिट ही नहीं कर पाएगी, कॉज का ना तो मेटाबॉलिक रेट है उतना, ना उसकी हार्ट बीट उतना वो ऊपर लेके जा सकती है, ना वो एक्सरसाइज को हिट कर पे 5 एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन में, अगर मैं उसको कहूँ भी एक्सरसाइज कर ले आज, तो कहाँ से कर लेगी वो, नहीं कर पाएगी। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं ठीक है ये चीज़ें बनी हैं, इनको ट्राई करो, पर इनको तरीके से करो। अब जिम्स के अंदर क्या हो गया आज के टाइम में भी, लोग अपने आप को ऐसा समझने लगे हैं भी, जैसे अब क्रॉसफिट को ही ले लीजिए, अब मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बोलता, पर ये कि क्रॉसफिट वाले ऐसा सोचते हैं भी हमारे से ऊपर कोई वर्कआउट ही नहीं कर सकता, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं हम, हमारे से ऊपर कोई बंदा ही नहीं है भाई, आज तो हमने फटे चक दिए 100 रैप लगा दिए यार, वो 100 रैप लगाने के भाई तू अपना शरीर तो देख ले कैसा सा, वो लग रहा है किसी एंगल से भी तू भी है कुछ देखने में, या फिर देखा जाए अगर आप एक बॉडी बिल्डर को लेके चलते हैं ना, वो बड़ा एक साइंटिफिकली तरीके से चलते हैं, उनको पता है मेरा गोल क्या है, मैंने वहाँ तक फिजिक को कैसे लेके जाना है और किस मोड में लेके जाना है, वो बड़े तरीके से चलते हैं। और अकेले बॉडी बिल्डर की बात नहीं, कोई स्पोर्ट्समैन को भी अगर आप ले लो, आप सपोज कर क्रिकेट ले लीजिए, आप
क्रिकेट है, एक अब नॉर्मल बंदे भी खेल रहे हैं ग्राउंड में और एक प्रोफेशनल भी खेल रहे हैं, टर्फ पे खेल रहे हैं, वो कोई टीम से खेल रहे हैं, तो उनको एक गोल है, वो स्पेसिफिक उस पर चल रहे हैं, उसके हिसाब से खेल रहे हैं, वो उतना टाइम उसको दे रहे हैं, उनको कोई गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब एक ग्राउंड वाले को अगर आप बोलो भी यार तू सचिन तेंदुलकर बन जा, कहाँ से बन जाएगा वो, उसने भाई हफ्ते में एक बार खेलने आना, दो घंटे उसको सचिन तेंदुलकर बन जा, सचिन तेंदुलकर ना बन जाएगा, उसको बनने के लिए कम से कम 16 घंटे उसको देने पड़ेंगे पहले। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है उनको। तो जो नॉर्मल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करते रहें, वो बहुत जरूरी है करनी। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं, आप एरोबिक्स कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, इट्स फॉर फन, आपको एक मूड चेंजिंग के लिए बनाई गई है, भी बंदे को जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो एंजाइटी लेवल है उसको चेंज कर सके, भी बंदा गया है भंगड़ा कर रहा है, 20 लोग भंगड़ा कर रहे हैं, यस एक दूसरे को देख रहे हैं, शीशे में चल रहा है, तो ठीक है, अच्छा फील करता है बंदा, और ठीक है करना चाहिए ये, पर यह कि इसको आप एक्सरसाइज को वो नहीं कह सकते उससे हमें रिजल्ट मिलेंगे, नहीं, ठीक है एक मोड ऑफ एक्सरसाइज है ये, मैं मानता हूँ इसको, बट ये कि हाँ एक एंटरटेनमेंट लेवल के लेवल पे है ये। बाकी अगर आपको रिजल्ट चाहिए, कुछ चाहिए, आपको उन्हीं एक्सरसाइज पे आना पड़ेगा जो चलती आ रही है। सो मेरा ये वीडियो लाने का मकसद यही था आपके सामने कि जो एक्सरसाइज जो चल रही हैं वो सुपर कूल हैं और वही कूल रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, रोलिंग फ्रेम एंटरटेनमेंट, उस पर क्लिक करें। आप जो भी आप अपने कमेंट्स करना चाहते हैं मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग, या आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ मिस कर गया हूँ, या फिर मुझे ये बोलना चाहिए था इसके बारे में, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और जिसके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उसके ऊपर वीडियो जरूर आपके सामने मैं लेके आऊँगा।